बोलने के बाद मूर्ति बनाने के लिए हाथ कट कर दो, फिर वो अपने आप कट कर दो चक पर अपने जॉब को सेट करेंगे। ये कलम हमारे यहाँ का दो चीज़ हल्का टाइप करो ए, अब इसे इसी वाले मैंने साफ कर दी। हाँ कितने पड़ा भाई हमारा 5 कलम किलो था। पहले थोड़ी जो 5 पे थी ना, अब 7 पे सेट कर देंगे। हमारा बंद गया है, अभी हमें जॉब बांध दिया इस पे, तो हमें चेक करना कि हमारा पीस ठीक बंधा है नहीं बंधा है। मतलब क्या चेक करेंगे उसे, उसमें सर एडिट में जॉब में जाके एमडीआई भरो स्पीड स्पीड 500 0 4 एंड लो नहीं आप ठीक बन रहा है और कल बोल रहे पीस को ये मतलब अब हमारा देखो पीस बिल्कुल भी जो है ना बबलिंग नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है पीस एकदम ओके है। अपना प्रोग्राम स्टार्ट कर सकते हैं, ऑफ साइड लेगा वर्किंग पोजीशन पे है, अपना प्रोग्राम स्टार्ट करो तो हमारा जो जॉब है उस पर ऑपरेशन जो है ना स्टार्ट हो जाएगा। तो मतलब यहाँ टूल टच कराएंगे, जिस टूल से हम इस वाले टूल से काम करेंगे टूल नंबर 9 से, तो यहाँ पे जब टच कराएंगे तो एक्स को फिर बनने पड़ेंगे इसमें 23.5, मतलब 23.5 यहाँ पे है इसका मशीन का, और जैड को यहाँ टच कराएंगे हम तो करो जोज मोड में जाएंगे तो इसे घुमाएंगे टूल नंबर कौन सा है वो यहाँ पर जाएगा। तो जिस टूल से हमारा काम होगा वो है टूल नंबर 9, जिस टूल से वर्क होगा उसको सिलेक्ट कर लेंगे पहले से टूल नंबर 9। एमडी मोड में गए प्रोग्राम 309090906 M06 टूल चेंज कमांड M04 स्पीड 600 करेंगे तो टूल नंबर 9 आएगा, स्पिंडल रोटेट होगा, टूल नंबर 9 आ गया सिलेक्ट हो गया। अब इसके हैंडल मोड में जाएंगे, हैंडल मोड में ये जो कहते हैं ये भी हैंडल मोड है, हैंडल मोड की पीड ये है, अभी तुम बहुत दूर है तो इसमें थोड़ी पीड बदला सकते हैं। पहले लेकर जाएंगे अपना जेड पीस के पास, तो जेड क्लिक और ये इसका हैंडल मोड है पास किया है, फिर हम टैक्स दबाएंगे, मतलब इसके पास लेके जाना है तो वो आप कैसे ले जाओ, पहले एक्स चलाओ या फिर जेड चलाओ, जेड लेने में अब यहाँ पर पास आ गए इसमें तो फीड बंद ही कर दो अपने।
ये इसके अंदर गया, तो अब हमें जाना है ऊपर, वो चेक कराना है। यहाँ आवाज़ आएगी तो ये होगा सकते होगा। आ गया आवाज़। और देखो वहाँ भी 23.8 ही आया। हाँ हमारी इतनी आवाज़ आओगी, मतलब ये अंदर इनर टच हो गया। हाँ टच हो गया, और ये 23.8 यहाँ पे डायमीटर शो कर जाएगा। अब इसकी मैन की जो मैं ऑफसेट इसके सेट करने, अब हम वर्क ऑफसेट में जाएंगे, जो ऑफसेट जो मैक्स टूल नंबर कौन सा है हमारा, टूल नंबर 9। ये टूल नंबर लिखे हैं, इसके टूल के एक्स और जेड हैं। टूल नंबर 9 पर जाएंगे हम, टूल नंबर 9। ये क्या है इसका एक्स, तो एक्स कितना था हमारा, 23 नहीं 0 जीरो चेक करा देना सर। 23.8 जीरो तो सेंटर में होता बिल्कुल, 23.8। ये हम मीज़र है, इसे मीज़र कर देंगे ठीक है। अब इसे जेड पर करेंगे, हमारा एक्स का ऑफसेट हो गया ऐसा है। अब टूल को हम इसे बाहर निकाल लेंगे, जेड निकाल लेंगे, टूल हमने बाहर निकाल लिया। अब इसे जेड को ऑफसेट देंगे, अब जेड ऑफसेट सेट करेंगे इस पर। यहाँ पे तो मतलब जेड जीरो हो गया। खुला हुआ है जो मैक्ट्री टूल नंबर 9 का जेड, यहाँ पे हम कर देंगे जेड 0.0। हमारा ऑफसेट अब हो गया एक्स के भी और जेड के भी। रीसेट करेंगे इसे होम मोड पे, और इसे अपने होम मोड भेज देंगे जेड और एक्स। पहले हम कोई सा भी ले सकते हैं, जेड के भी ले सकते हैं ऑफसेट और एक्स के भी, मगर हाँ दोनों के पहले एक्स का ले लो फिर जेड का ले लो ऑफसेट। हमारे ऑफसेट सेलेक्ट हो गए, बहुत ही स्लो लेके चलना है इसको। जब वो टच करेगा तो आवाज आने लगेगी। हम
हम थोड़ा साइड है यहाँ से ले लेंगे, हमें जाना है और तुम्हारा एक खींचा है तो हम थोड़ा बहुत स्पीड से कर सकते हैं। और 23-8 पे जाना तो यहाँ पे 22 आ गया, तो उतनी स्पीड से हम थोड़ा कर सकते हैं। बाद में आके फिर इसको थोड़ा स्लो करना है। स्लो तो जाएंगे तो स्लो कर देंगे। अब हम यहाँ क्लोज आ गए लगभग, तो यहाँ से इसकी आवाज़ जाते रहे। चलो थोड़ा चलो जब मतलब ठीक है, मतलब प्रॉपर आवाज़ नहीं आ रहा। चलो आवाज आने लगी। अब तो अब हमारा टूल टच हो गया, मतलब ये हमारा नहीं, हमें 23-8 करना है। 23-8 हमारा ऑलरेडी हुआ हुआ है। हाँ, बस अब टूल को बाहर निकाल दो एक्स में। ये हमारा एक्स का जो ऑफसेट था वो कंप्लीट हो गया। अब हम जेड का जो है ना ऑफसेट लेंगे। अब हमने टूल अपने टूल को बाहर किया। ये से हो गया सेट। प्रोग्राम गर्ड करेंगे, एडिट मोड में करेंगे। अब हमारा जो जॉब है वो तो हमारा इस पे चक पे जो है ना रेडी हो गया, बन गया। ठीक है, अब हमारा ऑफसेट वगैरह सब कंप्लीट हो गया। अब हम मशीन में क्या करेंगे, अपना प्रोग्राम फीड करेंगे। ठीक है, प्रोग्राम आप इसको प्रोग्राम को एक ऐसे किसी भी बुक पे कोई मैनुअल प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक है, मैनुअल प्रोग्राम बनाने के बाद फिर उसको हम मशीन पे एंटर करेंगे। ठीक है, चलो डालो प्रोग्राम, डालो प्रोग्राम डालेंगे हम एडिट मोड। एडिट मोड एंटर के लिए सबसे पहले हम किस पे जाएंगे, एडिट पे जाएंगे, एडिट मोड में प्रोग्राम। ये प्रोग्राम है डाला हुआ है कोई, मतलब वैसे प्रोग्राम है, इसे तो कर देंगे हम डिलीट। हम यहाँ से हम डिलीट कर देंगे पूरे प्रोग्राम को। यहाँ से प्रोग्राम डालना, अब स्टार्ट कर दें, यहाँ से डालना स्पीड। ऐसे से प्रोग्राम जो है ना हम एंटर करेंगे। ठीक है ना, ऐसे प्रोग्राम पूरा इसमें एंटर करते हैं, जैसे हम सिमुलेशन प्रोग्राम कंप्यूटर पे एंटर करते हैं वैसे ही हम मशीन पे करते हैं। 70 U 0.2, ये 0.2 ये डाई स्टील है, इधर बहुत थोड़ा रखा हम 0.2 का। ये आर है, ये आर पहले शिफ्ट आर 0.2। अब प्रोग्राम हमारा इसमें एंटर हो चुका। अब क्या करेंगे, पहले जाएंगे ऑटो मोड में, ऑटो मोड में जाएंगे। बस अभी प्रोग्राम स्टार्ट करना, सिंगल मोड में चेक करेंगे हम। ये सर सिंगल मोड, मतलब स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप एक बार इसको स्टार्ट करके देखेंगे सिंगल मोड में, जिससे कि हमें पता लग जाए कि हमारा प्रोग्राम ओके है। उसके बाद फिर हम इसको ऑटो मोड में स्टार्ट कर देंगे। ये टूल सेलेक्शन हो गया। अभी अगली कमांड है M04, मतलब अब स्पिंडल स्टार्ट होगा, स्पिंडल स्टार्ट हो गया। अभी अपनी नेक्स्ट कमांड मतलब X20 और Z2 पे जाएगा स्पिंडल। ये हमने कमांड दिया ना, जो भी आपने इसमें कमांड दी है, जो भी कोड दिए हैं उनके अकॉर्डिंग ही ये वर्क करेगा। हमारा ये यहाँ पे आकर रुक गया, यहाँ पे हमारा Z2 है और X 20.5 जी, जो हमने उस ऑफसेट लिए थे वो यहाँ काम करते हैं, यहाँ काम करते हैं, मतलब उस ऑफसेट के हिसाब से यहाँ पे X 20.5 और Z2 है। जो भी हमने इसमें ऑफसेट लिए थे उसी पोजीशन पे हमारा टूल वर्क करेगा, उसी पोजीशन पे हमारा टूल पहुँचेगा। उसी जीरो को ध्यान में रखते हुए ये X भाई हमारे ये रुपए यहाँ पे Z2 और Z2 जो रियल मशीन का है वो तो उसके ही घर। अब हमने इसे ऑटो मोड में स्टार्ट कर दिया। ऑटो मोड में देखेंगे कि आप मशीन हमारी ऑटोमेटिक इसको ऑपरेट करने लगेगी, इस पर ऑपरेशन होने लगेंगे। राइट, ये हमारा CNC वर्क था लेथ मशीन पे। हम कैसे जॉब को जो है ना माउंट करते हैं, कैसे उसकी सेटिंग करते हैं, कैसे प्रोग्राम डालते हैं
ओके, थैंक यू फॉर माई वीडियो वॉचिंग, एंड प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करें।